यूपी भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। तीसरे और चौथे चरण के बचे प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का ऐलान भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा सकता है। मंगलवार की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं, नामों पर मंथन हो चुका है और आज इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। यूपी भाजपा अब तक 204 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पांचवें चरण की सूची आ सकती है। इसके साथ साथ जो बचे हुए नाम है तीसरे और चौथे चरण की, वो सूची भी आज सामने आ सकती है। तो यूपी भाजपा के प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी हो सकती है। तीसरे और चौथे चरण के बचे हुए प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। मंगलवार की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। लंबे मंथन के बाद नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन सूची आज सामने आ सकती है। यूपी भाजपा अब तक 204 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आज जो अगले चरण के प्रत्याशी हैं, उनके नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अभी तक बचे हुए प्रत्याशी हैं तीसरे और चौथे चरण के, उनके नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। तीसरे और चौथे चरण के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, उनके नामों की घोषणा की जा सकती है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों के नाम, इसके अलावा तीसरे और चौथे चरण में कुछ सीटें हैं जिन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, सूची कब तक आने की उम्मीद? देखिए, अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी 1 बजे के बाद अपनी ये सूची जारी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में 25 जनवरी को सीईसी की बैठक होती है, जिसमें तमाम सारे नामों पर अंतिम मुहर लगा दी गई थी। अगर बात करें तीसरे और चौथे चरण के भी कुछ नामों की घोषणा होना बाकी है। खासतौर से अगर बात करें तो लखनऊ जिले की जितनी भी सीट है, उन सीटों पर अभी तक कोई प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। आज उन प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा की उम्मीद है और 1 बजे के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर सकती है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से लखनऊ की जो 9 सीटें हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं, तो क्या उम्मीद करें कि आज लखनऊ की जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि आज बीजेपी लखनऊ की जो 9 सीटें हैं उनके अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। इसके अलावा पांचवें चरण के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके उम्मीदवारी को नाम का ऐलान कर देगी और 1 बजे दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का काम करेगी, क्योंकि लखनऊ जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला रहा है जहाँ पे कई सारे हाई प्रोफाइल लोग अपने। बिल्कुल अविनाश, ये देखने वाली बात होगी कि अब जो सूची जारी होगी तो उसमें किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।